खरगोश को आपको जैसे पता है हमने ऊपर मास्टर केज में शिफ्ट कर दिया था और खरगोशनी भी आ गई है साथ। उन दोनों का तो पेयर ठीक है। मास्टर केज में वो जो तोतों का था ना खुदा, उसके नीचे हमने ना ईंटे रख के, मतलब दो ईंटे रख के ना नीचे कपड़ा रख दिया, उसके नीचे रह रहे हैं अभी फिलहाल। और आपको जैसे बताया था कि यहाँ साइड पे मास्टर केज के बिल्कुल साथ वो रैबिट हाउस बनना है, तो वो अब रेत सीमेंट वगैरह आ गया था तो रैबिट हाउस भी स्टार्ट हो गया बनना। वो दीवार खड़ी कर रहे हैं और अभी अगले हफ्ते मिट्टी आ जाएगी, रैबिट हाउस अगले हफ्ते तक बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। आज दीवार वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ मिट्टी रह जाएगी। बाकी अभी ऊपर चल के आपको रैबिट हाउस भी दिखाते हैं, तोते वगैरह भी दिखाते हैं और जो खरगोश मास्टर केज में छोड़े हैं वो भी दिखाता हूँ। ये जो हमारे नीचे दो मुर्गे हैं वो मैं दिखा दूँ। एक की आपको कल बताया था कि उसे यहाँ से हल्का सा यूँ फेंका है नीचे, इतनी सी ऊंचाई से सिर्फ फेंका होगा, तो उस लंगड़ा हो गया था, पता नहीं क्या हुआ उसके डांग, तो उसकी तेल वगैरह लगा के पट्टी कर दी थी। अभी मैं उसको दिखाता हूँ, उसे खुडे में ही है वो। ये खड़ा तो होने लग पड़ा टांग के, देखे वजन डाला हो तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। तो अभी ऊपर चलते हैं आपको रैबिट दिखाते हैं और रैबिट हाउस जो बन रहा है वो भी दिखाते हैं। यार हम ऊपर आ गए थे, ये देखें काम शुरू हुआ है रैबिट हाउस में। अभी तैयार हो रहा है, जब होता है ना फिर आपको दिखाते हैं। बाकी ये खरगोश एक ये है, एक वो जो पिंजरे है ना इसके नीचे ये ईंटें लगाई हुई हैं, एक वो उसके नीचे यहाँ साइड पे जगह, वो देखो वो यहाँ से अंदर चले जाते हैं और अंदर नीचे कपड़े रखे हैं यहाँ उधर बैठे होते हैं। ये एक बाहर है, एक अंदर ही है, और वो तोते भी सामने बैठे हैं, ये मुर्गियाँ भी यहीं पे। बाकी रैबिट हाउस जित थोड़ा बहुत बनता है तो आपको दिखाते हैं। यार वो खरगोशों का वो दीवार तो हो गई है तैयार, मैं दिखाता हूँ अभी, पहले खरगोश दिखा दूँगा जब मेरे। ये रे दोनों, ये जो कल आए खरगोश नहीं वो जो हमारा खरगोश, अभी इसको नहलाते भी हैं ये खरगोश ने, गंदी हुई है कितनी, हमारे वाला देखो कितना साफ है। इसके पास जाने से अंदर चल जाने, इनका घर दिखाते हैं। ये खरगोश नहीं है, ये नीचे इन्होंने बच्चे दे देने लग रहे, तो ये जब तक आएंगे यहीं पे ठीक है, अगर ना हुआ अगले हफ्ते तक तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे साथ जो मास्टर केज बन रहा है। ये हमारा खरगोश, इसका नाम विल्फर्ड है, बताया था, ये बड़ा प्यारा है। और जो दो तोते चेंज किए थे ये हैं, ये बिल्कुल ठीक है रह रहे। और वो ये दीवार है क्या, अभी तो गंदी सी लग रही है लेकिन अभी प्लास्टर हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद अगले हफ्ते तक ना अंदर मिट्टी डाल देंगे। ये दीवार है यहाँ पे ना यूँ टेढ़ी करके मिट्टी आ जाएगी और ऊपर प्लास्टर हो जाएगा। और इसके ना यहाँ से पाइप दो निकाल देंगे, ये यूँ पाइप दो आ जाएंगे बाहर और यहाँ से इधर अंदर मास्टर केज में खरगोश और यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह कर दिया करेंगे। और बाहर से भी कोई ख़तरा होगा, बाहर से निकालना ही नहीं ताकि बिल्ली वगैरह ना पड़े, यहीं से अंदर वगैरह अंदर आ जाया करेंगे, यहाँ से बाहर यहाँ सुराख करके पाइप आ जाएगा। और अभी खरगोशनी को नहलाते हैं, अभी वो सामान टप वगैरह ले आए, कहते हैं कान से ऊपर ऊपर नहलाना होता है, कानों में अगर चले ना बीमार हो जाते हैं फिर मर जाते हैं, तो कान को कवर करके अभी इन्हें नहलाते हैं। हम नीचे आ गए थे, खरगोशनी को पकड़ लिया था, उसको अब नहला रहे हैं। ये लेते हैं इसके कान से किए हैं कि कानों में पानी ना जाए, इसे नहलाते तो है नहीं, कानों में पानी जाए बीमार होके मर जाते हैं ये लोग।
इसलिए कान वगैरह सूखे हैं इसके। बाकी ये नीचे नीचे से नहला रहे हैं, बड़ी गंदी हुई थी आपने पीछे देखा ही है, अभी ये इसे नहलाते हैं, साफ सुथरी हो जाएगी, उसके बाद ऊपर धूप में छोड़ देंगे, जो खुश्क होगी ना फिर दिखाता हूँ आपको। इसको नहला दिया हमने, गिली हुई है अभी टॉवल से साफ कर रहे हैं इसे। इनको वैसे नहलाते तो नहीं है क्योंकि अगर ज़्यादा ये तड़पे ना तो इसे छोड़ देना चाहिए, हार्ट अटैक हो जाता है इन्हें नहलाने से। इनकी वैसे ये हमें कहा तो था ये फुल वाइट है लेकिन है गोल्डन ही, बीच में नज़र आ रहा कलर, हमें फुल वाइट चाहिए थी लेकिन ये गोल्डन है। इसकी काफ़ी नस्लें होती है, 25 नस्लें होती हैं, 25 किस्म के होते हैं ये लोग। तो अब मैं उस लड़के से बात करूँगा, ये फुल वाइट आया तो नहीं, अब होगा तो कुछ नहीं लेकिन उससे करेंगे बात। बाकी ये खुश्क होती है तो इसे धूप में छोड़ते हैं, फिर साफ़ हो जाएगी, वापस इसे मास्टर केज में डाल दें। यार खरगोश को ला के हमने मास्टर केज में छोड़ दिया था, वो अपने नीचे ही है खुडे के, तो उसको हमने छोड़ दिया था, खरगोश को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि ना ये खरगोश नहीं लग रहा है बच्चे देने वाली, क्यों हम लाए थे ना जिससे, उसने बताया तो नहीं है लेकिन लग रहा है ऐसा, और खरगोश के ये बच्चे नहीं है, अगर हुए तो खरगोश तो मार देगा, इसलिए अभी कन्फर्म नहीं है। खरगोश को हमने नीचे रखा हुआ है, खरगोश ने को ऊपर ही आई है इसके नीचे, दो की हफ्ते हम देखेंगे, अगर ना हुआ ऐसा कुछ फिर खरगोश को दोबारा इधर शिफ्ट कर दें। बाकी खरगोश ने आपको दिखाता हूँ अगर नज़र आती है तो, वो देखे तोता वहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठे बड़ा कम ही नज़र आता है खाना खाते है, आज बैठा हुआ है। मैं आपको खरगोश नहीं दिखाता हूँ अगर नज़र आए तो, वो बैठी हुई है खरगोश नहीं तो आराम से, सूख गई थी ये, इसको नहला दिया था तो अब बिल्कुल ये साफ सुथरी है, सूख गई है, देखिए इसका कलर भी वाइट निकला है। तो अब बाकी वो बन रहा है पीछे रैबिट हाउस, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।